हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। शो करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज जो है हम खुशी को लेकर निकले मोटो व्लॉग करने। क्रैश गार्ड यहाँ लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, काफी भारी भरकम बढ़िया ओके की रिपोर्ट वाला। फिलहाल जो है आप कह रहे हो भाई यहाँ पे जो लाइट लगाई थी वो कहाँ गई, तो लाइट दरअसल मैंने अभी निकलवा के रख दी है। मैंने सोचा यार जब मैं राइड पे जाऊंगा जब लगाऊंगा, क्योंकि लोकल में यार चार चार लाइट समझ रहे हो, मैं लगवा तो ली जो जो उसमें, लेकिन बंदे बोल रहे भाई जरा सी बाइक के अंदर इतनी रोशनी, मैं कहाँ को जा रहे हो, चांद पे जा रहे हो क्या? मैंने कहा चांद पे नहीं जा रहा, यहीं से चांद को देखने के लिए लाइट लगवाई है। तो मैं लाइट निकलवा घर रख दिए, मैंने कहा घर रख देता हूँ, क्योंकि यार दो ऑलरेडी लगी हुई है यहाँ पे, है ना। अब मैं इसको खोलना नहीं चाहता क्योंकि इसकी प्रॉपर फिटिंग आ रखी है, यहाँ तक कि जो नट बोल्ट से टाइट हो रखी है ना उस पर रस्टिंग तक आ गई है लगा लो, तो अभी मजबूती वाली पकड़ बन चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों हिलाऊं डुलाऊं, इसलिए मैंने इसको एस डी टी लगा रहने दिया, उसको जो है निकाल घर रख दिया। अभी राइड होने वाली है बहुत जल्दी स्टार्ट, तो भाई जो है राइड पर उसे लगा के लेके जाऊंगा, तभी फायदा रहेगा, है ना भाई। फालतू में लगा के कोई फायदा नहीं है, गंदी हो जाए क्या फायदा, एक पुरानी लगी है ये बहुत है। तो फिलहाल ये चीज़ है, फिलहाल जो है भाई जमुना पार की साइड जा रहे हैं और भाई मजे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो है खुशी को चला रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद ना, तो भाई ऐसा लग रहा है किसी घोड़े में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि आजकल तो काफ़ी टाइम से मैं वही चला रहा हूँ अपनी एनएस। तो एनएस चलाते चलाते जो है उसकी आदत हो गई थी मुझे, बट अब मैं इसको चला रहा हूँ ना तो अलग ही घोड़ा घोड़ा सा अपन लग रहा है भाई, अलग ही मज़ा सा आ रहा है। ओके की रिपोर्ट में मज़ा ही मज़ा आ रहा भाई, जो बात है। ये देखो जी दो बंदे बैठे हैं, मैं और पुन्ना भाई पीछे बैठे हैं, और 80 चल रही है अपनी बाइक मक्खन, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई झंझनाहट नहीं कुछ तरह की, क्योंकि हमारी बाइक में लगा हुआ है सेंसोडाइन। सेंसोडाइन वाली बाइक है। बाकी मजा पूरा आ रहा भाई, जो बात है। जब मैं राइड पर जाऊंगा तो इसकी सर्विस मैं करा के लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने सर्विस कराई थी इसकी लास्ट जब मैं से लेके मुक्तेश्वर गया था, नहीं मुक्तेश्वर, हाँ मुक्तेश्वर गया था। फिर मुक्तेश्वर से आने के बाद फिर मैं वहाँ गया था, क्या नाम है अपना, मसूरी, तो मैं एनएस से गया था। तो एक तरह से इसकी सर्विस तो बस हुई है नई नई, और उसके बाद ये थोड़ी बहुत चली फिर खड़ी रह गई। अभी देखो 80 प्लस चल रही है बाइक हमारी, कोई झंझनाहट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मक्खन, और बढ़ रही है। देखो 90 टच हो गई, देखो 90 पहुँच गई, लो और क्या चाहिए यार, दो बंदे बैठा के अगर बाइक इतनी स्पीड पर चल रही है तो और क्या चाहते हो। तो इस सब के पीछे जो राज है ना, सेंसोडाइन नहीं है दोस्तों, इसके पीछे राज है अच्छा इंजन ऑयल, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ कि दोस्तों अच्छा इंजन ऑयल डलवाओगे जैसे मर्जी आप बाइक को चला लो, ना तो इंजन की आवाज़ बदलने वाली है और ना ही परफॉर्मेंस में कोई कमी आने वाली है। बाकी अगर पूरा पूरा मज़ा चाहिए तो भाई मैं तो सही बता रहा हूँ, हर 6-8 महीने या 1 साल बाद जो है ना क्लच प्लेट जो है अपनी बाइक की चेंज करा दो, पिकअप आपको हमेशा नए जैसा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, मैं फ्लाईओवर चढ़ रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिखाने वाला हूँ आपको अक्षरधाम मंदिर का। लेकिन मसला ये है कि भाई दिल्ली बंदा में फॉग के वजह से, पोल्यूशन के वजह से, तो भाई पोल्यूशन की वजह से जो मंदिर है ना वो ढका पड़ा है फिलहाल, देख सकते हैं वहाँ पे। लेकिन आपको नहीं दिखेगा, ये मैं देख पा रहा हूँ अपनी नेकेड आई से, आपको नहीं दिखेगा दोस्तों। अभी आप इस चीज़ से काफ़ी दूर हैं, जब मैं पहुँचूँगा पास में तब दिखा पाऊँगा आपको, अदरवाइज मुश्किल ही है। तो हट जा भाई R15, ये देखो यहाँ दिखाया जलवाई, फुल पावर भाई फुल पावर। यहाँ तो भाई बाइक छोटी सी बाइक है, नन्नी जान, कोई बात नहीं भाई, ये जान भी काफी लोगों का सपना है, नहीं? और भाई कौन कौन बंदा खुशी से प्यार करता है, मतलब इस बाइक से प्यार करता है, कौन कौन इस बाइक को अपनी बाइक समझता है ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि भाई मुझे जानना है खुशी लवर कितने हैं आखिर, कितने हैं, देख रहे हो 80 90 85 80 90 85 दो बंदे बैठा के, और क्या ही चाहिए बाबा, और क्या ही चाहिए यार। 300 cc की बाइक 300 नहीं जा सकती। ये 97 cc की बाइक होके 100 चली जाती है, और क्या लोगे। लेकिन एक बात बताऊँ भाई, पावर जरूरी, टॉर्क होना बहुत जरूरी है बाइकों के अंदर, इन बाइकों का टॉर्क बहुत कम है यार, एकदम फुसी टॉर्क है। बट फिर भी ये बोलूँगा कि ठीक है, ठीक है, डाइजेस्टेबल है, हजम हो सकती है इसकी पावर, हजम हो सकती है। यहाँ पे अपना मंदिर अक्षरधाम मंदिर, बट वो ये ज़्यादा विजिबल तो नहीं हो रहा होगा, अब विजिबल कराने चक्कर में मैं विजिबल ना हो जाऊँ किसी गाड़ी में। ओ बेटा R15 रेस इसकी ऐसी की तैसी। थंबनेल में तू, थंबनेल में लिख दूंगा R15 से हुई रेस। नहीं भाई मुझे लिखना नहीं रेस में, पता क्यों, क्योंकि यार ये यूट्यूब वाले ने मेरी 3 वीडियो पर येलो डॉलर दे चुके हैं, मैं सही बता रहा हूँ।
और तीनों की तीनों वीडियो ऐसी जिनमें ना कोई अव्यूज लैंग्वेज है ना कोई वैसा कुछ है, पता नहीं उठा के सिर्फ टाइटल के वजह से, जो टाइटल डाला मैंने उसके वजह से उन्होंने येलो डॉलर दे दिया उठा के। कितनी गलत बात है यार। तो आई हेट यू यूट्यूब, जो इसको रिव्यू कर रही है उस टीम को मैं हेट कर रहा हूँ जो इस मेरी वीडियोस को रिव्यू करती है। क्योंकि सीधी सी बात यार ये है कि साला तुम देख तो लो तुम क्या देख रहे हो, क्या देख के तुम वो सोच जज कर रहे हो कि ये वीडियो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली है या नहीं। सही बता रहा, बहुत ही गुस्सा आता है मुझे जब मेरी वीडियो पे येलो डॉलर आता है। एक तो वैसे ही मेरी इनकम यूट्यूब से बिल्कुल ना के बराबर है और येलो डॉलर दे के साला और ड्रामा कर देते हैं ये लोग। जॉब करने लग जाऊँगा इससे बढ़िया मैं। हाँ नहीं तो बट लेकिन पैशन भी तो फॉलो करना है यार। मैं चला रहा हूँ बाइक को और मैंने अभी देख मतलब महसूस किया कि मेरी बाइक में ना पीछे वाले टायर में हवा थोड़ी सी कम है और आगे वाले में तो मैं देख पा रहा हूँ सही है। मतलब फिर भी अभी मैं देखता हूँ कहीं पे अगर एयर स्टेशन मिलता है जहाँ पे एयर फिलिंग वगैरह होती होगी ना तो मैं उसमें हवा भरवा लेता हूँ। पीछे वाले में टॉप अप हो जाएगी, आगे वाले में चेकअप हो जाएगी। फिलहाल तो भाई जब भी मैं इस तरफ आता हूँ मैं अमरूद खाना मंगा था। लास्ट टाइम हसमत और मैं भी आए थे, आपने व्लॉग देखा होगा हमारा, तो मैंने और हसमत ने अमरूद खाया था यहाँ पे। तो देखते हैं भाई अगर अमरूद वाला होगा आज तो अमरूद खाएंगे। वो लाल लाल अमरूद होता है मसाला लगा के, ओए होए कसम से मैं तो बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, मेरे मुँह में अभी से ही पानी आ गया। सही बता रहा हूँ, एक नंबर का चटोरा हूँ मैं। खाने पीने के मामले में ओके ही रिपोर्ट, खाने पीने के मामले में कोई कमी नहीं भाई, जो मन करे वो खा लो। और फिर फ्रूट्स तो भाई मैं बोलता हूँ कि हर मौसम के फ्रूट्स खाने चाहिए। जैसे इस मौसम में अमरूद चल रहे हैं और भी फ्रूट चल रहे हैं, तो आप हर मौसम के फल खाओ अच्छे होते हैं भाई। और फ्रूट खाने भी चाहिए। दुनिया भर के तो हम बर्गर वर्गर पिज़्ज़ा ये खाते रहते हैं, तो जंक फूड तो बहुत होता ही है नॉर्मल लाइफ में, बट फ्रूट्स भी खाने चाहिए है ना। बट फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से फ्रूट वाला ही नहीं है, यहाँ पे आगे मिलेगा शायद से। कसम से मन कर रहा है भाई फ्रूट खाने का। ऑटो वाले भाई अमरूद देखो देखो दोस्तों, ये है लाल लाल अमरूद। तो दोस्तों हमने खा लिए अमरूद, मज़ा आ गया। बैठो पन्ना भाई। फिलहाल भाई एक भाई कमेंट करता रहता है कि भाई आप कौन से ग्लव्स यूज़ करते हो राइडिंग के लिए, दिल्ली में लोकल या लोकल मतलब यूज़ के लिए या ऑल सीज़न यूज़ के लिए कौन से ग्लव्स बेटर रहते हैं चीप एंड बेस्ट। तो भाई ये देख रहे हो सिटी, ये चीप एंड बेस्ट क्वालिटी है, मतलब कि हैं अच्छा मैं कह रहा स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। तो ये चीप एंड बेस्ट क्वालिटी है, ऑल सीज़न ग्लव्स रहने वाले हैं वाले, और ये आपको मिल जाएंगे 700 रुपये तक के अंदर, मतलब 700-600 ऐसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। किसी की सेटिंग अच्छी हुई तो भाई मेरे ख्याल से मिल जाएंगे 500 के भी, बट मैंने तो ये 650 रुपये के लिए थे। इसमें दो तीन क्वालिटी आती है सिटी की, देखो उसके अंदर ना ये जो है एक दो तीन, तो इन चीज़ों से पता चलता है कि गाड़ी ये मोबाइल चलाने के लिए भी सही रहते हैं ना। तो एक तो ये मैं यूज़ करता हूँ लोकल के लिए, और एक मैं दूसरा यूज़ करता हूँ वो कॉमिक के, कॉमिक नाम की कंपनी है भाई, वो यूज़ करता हूँ मैं ज़्यादातर, ठीक है। और बाकी राइनोस के जो हैं भाई वो तो सबसे बेस्ट रहने वाले, उसकी कॉस्ट रहती है तकरीबन 3,500 रुपये। तो जो भाई 3,500 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता तो भाई वो सिटी के ले ले या कॉमिक के ले ले। कॉमिक के 1500 रुपये के आते हैं, ये वाले 500-600-700 तक के आते हैं, और बाकी वाले जो है राइनोक्स के वो आते हैं 3,500 तक के, बढ़िया ठीक है ना। बाकी ठीक है ये वाले भी, लेकिन वही है कि भाई इसमें साइज़ बहुत सारे आते हैं, तो जब भी साइज़ लो आप मैं तो ये बोलूँगा कोई से भी ग्लव्स में टाइट लेना, लूज़ मत लेना, टाइट होना चाहिए एकदम बढ़िया, ताकि ग्रिप प्रॉपर आए। वरना बड़े बड़े ग्लव्स ले लो ना लूज़ लूज़ तो मज़ा नहीं आएगा ग्रिपिंग वगैरह, मैंने आपको बाइक चलाने में मज़ा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग्स आएगी। तो इस वजह से फिलहाल देख लो लीनिंग आए। मैंने कहा यार पुन्ना भाई से जाना है काम से, तो मैंने चलो बाइक निकाल लेते हैं, मोटो व्लॉग भी बन जाएगा, खुशी को भी दिखा दूंगा, बहुत दिन से बंदे मिस कर रहे थे खुशी का मोटो व्लॉग। तो भाई मैंने कहा चलो आज के लिए खुशी निकालते हैं, मोटो व्लॉग करते हैं, इस पर भाइयों की डिमांड पूरी करते हैं। तो भाई यहाँ तक वीडियो देख लिया तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। क्या हो गया भाई इधर, क्या हो गया, ओहो पैशन वाला भाई घुस गया उसके अंदर कार में, टेढ़ी हो गई गाड़ी उसकी बेचारे की, चलने लायक गाड़ी है इसकी नहीं है, लात वात लगाने का सीन है तो लात लगा देंगे। हो गया कार वाला। हाँ हाँ इसके चक्कर में ब्रेक मारी होगी, अब वो घुस गया बेचारा है ना।
ये साले ने ये जो काम करो ना इनको ना थोड़ा पहले लगाना चाहिए ताकि बंदा पहले से वो हो जाए। नहीं हाँ कार्य प्रगति पे ठंड। हाँ चलो तो गाई जैसा बंदा चलने लायक है कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी ठुक गई उसकी हैंडल हैंडल टेढ़ा हो गया होगा ना, बट ये ना तो क्या करें काम यहाँ कर रहे हैं ना तो यहाँ पे बोर्ड लगा दो पहले ही। अब ये यहीं जहाँ काम करो वहीं बोर्ड लगा देंगे, चाड़ा कोई नहीं कुछ चल जाएगा कोई कार्य प्रगति पे हो जाए इनका। हाँ यार कमाल है। तो भाई ये बन रहा है कालेखां का बड़ा तगड़ा लेवल का मेट्रो स्टेशन, सराय कालेखां मेट्रो स्टेशन। इसके अंदर पता नहीं कितने कार के शोरूम खुल जाएंगे, कितना फूड कोर्ट खुल जाएगा, तमाम दुनिया के यहाँ शोरूम खुल जाएंगे, इनकम जनरेट होगी, इसलिए बना रहे तगड़ा ये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का मोटो व्लॉग अच्छा लगा होगा, खुशी देख के आप खुश हो गए होंगे कि हाँ भाई खुशी में मोटो व्लॉग कर रहा हूँ मैं और खुशी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो देख के आपको मज़ा आ गया होगा। अगर मज़ा आया हो किसी भी चीज़ में तो कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय अंकल जी, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो खुश रहो, बाय 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 बाय। अरे रिक्शे वाले भाई, अरे स्प्लेंडर वाले भाई क्या कर रहे हो यार दोनों जैप्टो, ये देख रहा बंदा क्या चला रहा बंदा, ये हैंड की आँख ये अरे यार मैं तो वीडियो एंड करनी थी।